हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले जानें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, ये किस समय को बताता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन दैट विल कमेंस एट ए फिक्स्ड टाइम और इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक लगातार और जारी एक्शन जो कि एक फिक्स टाइम में फ्यूचर में स्टार्ट होगा एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ही वह जारी रहेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ द टाइम रेफरेंस। इसमें टाइम रेफरेंस हमेशा दिया हुआ होगा। There will always be a continued time reference, जैसे कि for a few days, for 10 months, for 2 years, since Wednesday, since 2011, since January, etc. इस तरह से टाइम रेफरेंस दिया हुआ होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कार्य या एक्शन किसी निश्चित समय या भविष्य में आरंभ होगा और भविष्य के दिए हुए समय तक लगातार जारी रहेगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो फ्यूचर में चालू होगा और फ्यूचर में वो लगातार जारी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ हम तीन बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे आप ध्यान से सुने और अच्छे से समझें। इसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉमन पे स्ट्रेस देना है। कॉमन हैव बीन यूज होगा और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसलिए यूज किया है क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस भी है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया है। उसके बाद आप, क्योंकि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, इसलिए आपने ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और मैंने पिछले स्लाइड में अब बताया था कि आपको टाइम रेफरेंस जरूर से यूज़ करना है, तो टाइम से पहले फॉर या सिंस आपको प्रयोग करना है। तो फिर से अपन एक बार दोहराएं कि कॉमन में आपको हैव बीन यूज़ करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूस है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना था इसलिए आपने ऑब्जेक्ट लगाया, फॉर सिंस प्लस टाइम आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें आपको टाइम रेफरेंस देना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, आए, और समय के बाद से आए, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, और समय के बाद से आए, तो हमें ज्ञात होगा कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ आप शैल यूज़ करेंगे और बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बात किया था कॉमन में कि हम फॉर और सिंस यूज़ करेंगे, तो हमें सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। सिंस वर्ड सिंस ही यूज्ड व्हेन टाइम 9 o'clock संडे yesterday 2012 etc. मेंशन इन द सेंटेंस इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब वो फिक्स हो, जैसे 9 o'clock है, संडे है, yesterday 2012 है, ये सारे समय फिक्स हैं तो निश्चित हैं, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर इज यूज्ड व्हेन टाइम 2 hours, फ्यू वीक्स, 3 months etc. मेंशन इन द सेंटेंस इज नॉट सर्टेन। जब वाक्य में अनिश्चित हो समय तो वहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। अब फिर से एक बार इसको कंपेयर करें, जैसे वहाँ ऊपर सिंस में 9 o'clock लिखा हुआ है, नीचे फॉर में 2 hours लिखा हुआ है, तो 9 o'clock आपका निश्चित समय है जबकि ये 2 hours आपका निश्चित समय नहीं है। ऊपर देखे फ्यू वीक्स कह रखा है, तो फ्यू वीक्स में संडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे सब हो सकता है। ऊपर एक टाइम फिक्स दे रखा है जैसे कि संडे, नीचे देखे 3 months दिया हुआ है,
थ्री मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी हो सकता है, तो थ्री मंथ्स दे रखा है तो अनिश्चित समय, इसलिए हमने इसके साथ फॉर यूज़ किया। जबकि हम अगर सिंस की बात करते तो वो सिंस हमारे जनवरी के साथ आता या फरवरी के साथ आता। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आया होगा। सिंस निश्चित समय के साथ यूज़ होगा, जबकि फॉर जो है अनिश्चित समय के साथ यूज़ होगा। आगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो कि आपको मैं पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। फिर कॉमन, कॉमन भी मैं आपको बता चुका हूँ, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम। तो ये आपको जो कॉमन है ये आपको यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ आई वी है सब्जेक्ट, इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे शैल। आई वी के साथ हमेशा शैल आता है, आपको पिछले स्लाइड में ध्यान हो कि आई वी के साथ मैंने शैल लिख रखा था। तो सब्जेक्ट यहाँ आई वी होगा, जहाँ पर भी सब्जेक्ट आई और वी होगा वहाँ आप एकमात्र हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि शैल होगा। उसके आगे आपको कॉमन लिखना है, हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लिखें, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। उसके बाद क्योंकि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है इसलिए आपने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद आपको टाइम रेफरेंस देना इसमें ज़रूरी है, इसलिए फॉर या सिंस के बाद आप टाइम लिखेंगे। फॉर आपको मैं बता चुका हूँ अनिश्चित समय के लिए, और सिंस आपको निश्चित समय के लिए यूज़ करना है। एक उदाहरण पर गौर करें, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वी आपने यूज़ किया तो वी के साथ आप शैल लगाएंगे। फिर आपको कॉमन लगाना है, कॉमन क्या कहता है कि हैव बीन लगाएं, तो आपने हैव बीन लगाया। फिर कॉमन क्या कहता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे, तो आपने प्ले लिख दिया। उसके साथ आईएनजी लगाना था तो इसलिए आपने प्लेइंग कर दिया। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना था तो आपने क्रिकेट लिख दिया। फिर उसके बाद आपको समय के साथ फॉर या सिंस लगाना था, तो मॉर्निंग यहाँ है, निश्चित समय है मॉर्निंग, तो इसलिए आपने सिंस यूज़ कर लिया। तो आपका वाक्य पूरा हो गया। इसका अनुवाद देखें, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहे होंगे और से हमें ज्ञात होता है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। रूल दो पे ध्यान दें, इसमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। ही शी इट यू दे या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करना है। मैं पिछले स्लाइड्स में भी आपको बता चुका हूँ, आई वी के साथ शैल यूज़ होगा और बाकी सभी के साथ विल यूज़ होगा। तो ही शी इट यू दे हो या बाकी नाउन हो तो सभी के साथ आपको विल यूज़ करना है। और उसके बाद आपको कॉमन लगाना है, हैव बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ओवर प्लस आई एन जी क्योंकि कंटिन्यूस है। फिर वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट लिखें। फिर आपको टाइम रेफरेंस देना है तो टाइम से पहले आपको फॉर सेंस यूज़ करना है, तो इसलिए आप फॉर या सेंस में से दोनों में से एक यूज़ करेंगे, फिर आप टाइम लिख देंगे। उदाहरण पे गौर करें, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही लिखा है आपने तो ही के साथ आप विल यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने कॉमन के अनुसार हैव बीन लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगाया, प्लेइंग लिख दिया आपने, प्ले प्लस आई एन जी, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट। उसके बाद क्योंकि आपका जो मॉर्निंग जो समय है वो निश्चित समय है इसलिए आपने उसके साथ सिंस लिखा ना कि फॉर। अनुवाद देखें, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। रहा होगा और से हमारी आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नो नॉट नेवर यूज़ करते हैं और जो नेगेटिविटी को दर्शाता है। इसमें नेगेटिविटी को बताने के लिए हम इसमें नॉट यूज़ करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लिखना है, और जो कॉमन है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा था कि आपको ध्यान रखना है वो आपको लिखना है। रूल फर्स्ट पे ध्यान दें, सब्जेक्ट आई वी के साथ मैं बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब शैल ही आएगा, तो इसलिए आई वी के साथ आपने शैल लगाया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद
बाद आप लोग नॉट लगाएं तो शेल के बाद आपने नॉट लगाया, फिर आपका कॉमन जो है हैव बीन लिखा आपने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। क्यों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। और उसके बाद क्यों आपने ऑब्जेक्ट लिखा? क्योंकि वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हमने क्यों फॉर सिंस प्लस टाइम लिखा? क्योंकि इस टेंस में हमें टाइम रेफरेंस देना जरूरी है, तो इसलिए फॉर सिंस के बाद आपने टाइम को लिखा है आपने। उदाहरण पे ध्यान दे, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वी के साथ आपको शैल लिखना था इसलिए लिखा। शैल के बाद स्ट्रक्चर कहता है कि नॉट लिखो, तो आपने नॉट लिख दिया। फिर आपका कॉमन आपने फॉलो किया हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट। फिर आपका जो समय है मॉर्निंग, जो समय बता रखा है वो निश्चित समय है, इसलिए आपने सिंस यूज किया। वाक्य पे ध्यान दें, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे और से हमें पता लगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, और नहीं से पता लगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। रूल टू पे ध्यान दें, रूल टू आपका आई वी का रूल एक हो चुका है, तो रूल टू आपका बाकी जो बचा होगा उसका होगा, और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हीं के साथ आपको विल यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट आपका ही शी इट यू दे, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए आपने नॉट लगाया। फिर आपको कॉमन का प्रयोग करना है, तो कॉमन में आपने हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। और ये क्यों यूज़ किया है मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना था इसलिए आपने ऑब्जेक्ट लिखा, और टाइम रेफरेंस देना था तो इसलिए फॉर और सिंस के साथ आपने टाइम लिखा। फॉर आपका अनिश्चित समय अनसर्टेन टाइम के साथ आएगा, जबकि सिंस आपका सर्टेन टाइम के साथ आएगा, निश्चित समय के साथ आएगा। उदाहरण पे ध्यान दें, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही के साथ आपको विल लिखना है, विल के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना था तो आपने नॉट लिख दिया। फिर हैव बीन लिखा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आपने लिखा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना था तो इसलिए आपने क्रिकेट लिखा, मॉर्निंग आपका सर्टेन टाइम है तो इसलिए आपने उसके साथ सिंस यूज किया है। उदाहरण पे ध्यान दे, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा और से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और नहीं हमें बताता है कि ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दोज क्वेश्चंस बाय विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर देखें आप लोग, इसमें थोड़ा सा बदलाव है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट की जगह पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आने से सब्जेक्ट आपका पीछे आ चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉमन और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऐसे वाक्य समाप्त क्वेश्चन मार्क से ही होंगे। तो इसका आप खास ध्यान रखें कि ऐसे वाक्य लिखने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। शैल यूज़ किया, क्यों यूज़ किया शैल? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है आई और वी है, तो आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कॉमन, वही कॉमन है हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उदाहरण पर ध्यान दें, शैल वी have been playing cricket since morning and then question mark। Shall use किया है, shall इसलिए use किया क्योंकि आपका जो subject है वो we है, फिर इसके बाद आपने common के अनुसार have been लगाया,
फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग हो गया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट, फिर उसने क्योंकि आपका समय जो है सर्टेन है तो इस कारण से आपने सिंस यूज़ किया। अनुवाद को ध्यान दें, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे क्वेश्चन मार्क, रहे होंगे और से हमें ये बताते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। यहाँ पर जो शैल है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो शैल है क्या क्या रूप ले लेता है, तो आपका जो हेल्प, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है तो ये क्या आप जब अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ, जो शैल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर। रूल टू, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ही शी इट आई वी यू दे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, क्यों विल है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही शी इट यू दे है। फिर उसके बाद आप हैव बीन, कॉमन सारा वैसे के वैसे लगाएंगे, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल पे ध्यान दें, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। विल यहाँ पर क्या क्या रूप ले लेगा, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, रहा होगा और से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस सो दैट यू कैन वॉच मोर वीडियोज फ्रॉम अस। थैंक यू।